अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही क्विक रेमेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी में लिया है गेहूँ का आटा, यानी कि व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर से मैं आपको बताऊँगी कैसे आप घर पर ही अनवांटेड फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तरह तरह की वैक्सिंग और क्रीम यूज़ करते हैं और फिर भी उनके बाल नहीं उतरते। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर पर ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्स यूज़ करते हैं और वैक्स यूज़ करने वाले या तो उनके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके बाल कम रहना शुरू हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों को वैक्स सूट करती है उन लोगों के तो फ़ायदा है, जिन लोगों के नहीं करती वो ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैं यहाँ ले लूँगी एक बाउल। मैं डालूंगी तकरीबन अपने ज़रूरत के मुताबिक, मैं जहाँ ले रही हूँ। अगर आपके बाल चिन पर हैं, फोरहेड पर हैं, अपर लिप और साइड चीक्स के साइड पर हैं, जहाँ भी आपने अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं, सिर्फ आपने वहाँ पर ही अप्लाई करना है 1.5 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर। उसके बाद आप चाहें तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, तकरीबन थोड़ी सी बस हल्दी ऐड कर दूंगी, ये बस इतनी सी। ये मैंने कस्तूरी हल्दी ली है। कस्तूरी हल्दी का ये फ़ायदा होता है कि इसका कलर नहीं आता हाथों पे ना चेहरे पे। अब मैं इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी गुलाब का अरक। आप चाहें तो आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये बहुत ही क्विक रेमेडी है। आपने लेना गेहूं का आटा है और आपने इसको चक्की का आटा इस्तेमाल करना है, आपने बाजारी आटा इस्तेमाल नहीं करना। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका मास्क, इसका फेशियल बहुत ही स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बना देता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे आप खुद फील करेंगे कि कैसे आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो गई है। जी ये हो चुका है जी रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि अगर आपके बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपने इसको नीचे की तरफ ही अप्लाई करना है, और जब आपने 15 से 20 मिनट के बाद जब ये टोटली ड्राई हो जाएगा, आपने इसको गीला गीला नहीं उतारना, जब ये टोटली ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको रिमूव करना है। मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। आपने इसको नीचे की तरफ अप्लाई करना है और आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इससे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाएंगे। अभी मैं आपको निवेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि आपने जब इसको रिमूव करना है तो आपने इसको ऊपर की तरफ करना है, ऐसे करके आपने इसको राउंड भी घुमा सकते हैं। आप इसको ऊपर की तरफ जब ये ड्राई हो जाएगा, हल्का सा आपने हाथ को वेट करना है, यानी कि गीला करना है, और आपने इसको उतारना शुरू कर देना है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा उतर गए हैं। तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको हफ्ते में 3 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे वहाँ से बाल जो रूट से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके बाल बहुत ही कम आना शुरू होंगे। तो आई होप कि आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।